हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज़। और आज मैं कुछ अलग आप सबके लिए लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे आज मैं आपको बंगाली स्टाइल में साड़ी वेयर करना बताऊँगी कि आप कैसे साड़ी को ड्रिप कर सकते हो इन बंगाली स्टाइल। तो यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को याद से हिट कर लें ताकि इन फ्यूचर मेरे जो भी वीडियोज़ आएँ उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम जैसे नॉर्मल वे में साड़ी को करते हैं ना, तो मतलब नॉर्मल वे में साड़ी को ड्रिप करने के लिए जैसे हम करते हैं, मीन्स इन्हें फ्रंट में हम इसे इस तरीके से एक राउंड कर लेते हैं टक करते हुए, तो आपको भी यहाँ पे वही करना है, टक करते हुए एक राउंड कर लेना है। और फिर इसमें चेंज आती है इनके फ्रंट के प्लीट्स पे, और साथ ही यहाँ पे एक और चेंज आती है यहाँ पे कि हम क्या करते हैं कि नॉर्मल साड़ी में इन्हें राइट हैंड से टक करना स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट साइड के शोल्डर पे हम इसे घुमाकर एक बार रख लेते हैं। बट हमें यहाँ पे इसे घुमाना नहीं है, बल्कि हमें इसे ठीक इसी साइड से हमें अपने शोल्डर पे इन्हें रख लेना है। तो इस तरीके से हम शोल्डर वाले प्लीट्स को बनाएंगे। और यहाँ पे प्लीट्स का जो यहाँ पे लेंथ होने वाला है वो भी फ्लोर टचिंग लेंथ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बंगाली स्टाइल में जो साड़ी का जो फ्रंट लुक होता है ना, उन्हें हमें क्रिएट करने टाइम, उन्हें हमें उस टाइप का लुक देने के लिए ये जो हमारा प्लीट्स होता है शोल्डर वाला, इसका लेंथ ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से इन्हें अरेंज कर लेंगे हम। और एक्सेस पिन आप अवॉइड करो यहाँ पर लगाना, क्योंकि इससे साड़ी की फैब्रिक ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे आप कोई भी कपड़े सुखाने वाले पिन भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं इन्हें अरेंज करते हुए, इसी प्लीट्स को अरेंज करते हुए मैं इन्हें इस तरीके से सेट कर लूँगी। और सेट करने के बाद इसका मैं एक लंबा लेंथ इस तरीके से रखूँगी जो कि फ्लोर टचिंग होगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तो बिल्कुल ही हमें इसका लेंथ ज़्यादा रखना है इस टाइप का। और एक बार लेंथ मेज़र हो जाने के बाद आप फ्रंट के प्लीट्स को भी इस तरीके से सेट कर सकते हो, ताकि प्लीट्स जो रहे वो अपने जगह पे ही रहें और इधर उधर घसके ना, क्योंकि यहाँ पे मैं सिल्क साड़ी यूज़ कर रही हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी होता है। तो एक बार मुझे इसका लेंथ मिल जाने के बाद अब मैं आऊँगी अपने फ्रंट के प्लीट्स पे। तो बंगाली स्टाइल में जो फ्रंट का जो प्लीट्स होता है ना, वो ज़्यादा चुन वाला नहीं होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल चौड़ी पट्टी वाली ही यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ चुन। तो इस तरीके से आपको भी फ्रंट के प्लीट्स को ऐसे रेडी कर लेना है जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 प्लीट्स ही बना रही हूँ, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि बंगाली स्टाइल में जो चुन होता है वो ज़्यादा हेवी नहीं होता है। तो अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे फ्रंट के प्लीट्स को टक करने के बाद अब मैं आऊँगी अपने यहाँ पे शोल्डर वाले प्लीट्स पे, और इसे मैं इस तरीके से यहाँ पे खींचते हुए मैं इसे टक कर लूँगी। और साथ ही जो हमारा पीछे का जो हिस्सा गया हुआ है उसे आपको पकड़कर इस तरीके से पीछे की ओर लाना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो सेफ्टी पिन से यहाँ पे अपने शोल्डर के प्लीट्स को इस तरीके से सिक्योर कर लूँगी ताकि ये अपने जगह से हिले ना। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पहली बार बंगाली स्टाइल में ये साड़ी वेयर कर रही हूँ। आप सभी यदि इस टाइप के साड़ी वेयर करते हो तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि इस एरिया को भी मैं यहाँ पे पिन अप कर लूँगी अपने दूसरे शोल्डर पे, और ये हमारा रेडी है। तो वेस्ट पे मैंने अपने जो ये वेस्ट चेन वियर किया है, ये मेरे गाउन का है। यदि आपके पास भी कोई वेस्ट चेन है तो आप उसे ज़रूर वियर करना, क्योंकि इस बंगाली स्टाइल में ये साइड ड्रिपिंग में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये वेस्ट पर इस टाइप का वेस्ट चेन। तो आपको कैसा लगा है ये मेरी साइड ड्रिपिंग करने की स्टाइल, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में। तो अब मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
है।